आज सुबह से हाथ बहुत खुजला रहा है, लगता है कहीं से कुछ मिनरल मिलने वाला है मुझे, लगता है कि एक मुर्गा आ रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते, कौन? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने कभी मिनिस्टर साहब को देखा है? जी नहीं। तो फिर कैसे पूछ लिया तुमने कि ये मिनिस्टर साहब का घर है? क्या तुम्हें ये संतरी का घर लगता है? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ। ओ आप, ठीक है ठीक है, खड़े रहो खड़े रहो। मेरा मतलब है कि मुझमें मिनिस्टर साहब में कोई ज्यादा फासला नहीं है, मैं मुझमें हूँ, वो उनमें उनमें है, जैसे तुम तुझमें तुझमें हो। जी मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं खुद नहीं समझा तो तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ, आगे बोलो। सर मेरी एक लड़की है। हाँ, मुझे शादी नहीं करना है अभी। सर शादी की नहीं, मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना था। मेडिकल? पिछली बार एक लड़का 105% नंबर लाया था। 105? हाँ, 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अब भाई कुछ लिखा नहीं तो 5 सफाई के ही थे ना, और उसे मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए था। उसने 5 लाख रुपए खर्च किए, मैंने उसे मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवा दिया। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं? सर 5 लाख तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। भिखारी लगता है। चलो मैं बहुत रहम दिल हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, 1 लाख रुपए हैं। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ के मकान बेच दिए जाए, वहाँ के लोगों को बेच दिए जाए तो भी 1 लाख रुपए नहीं आएंगे। अबे अनाथ आश्रम में रहता है क्या? चल तेरे पास 50,000 रुपए हैं। सर मैंने इतने साल बिजली विभाग में काम किए तब भी 50,000 जमा नहीं हुए। अबे 5,000 रुपए हैं? नहीं। अबे 500 रुपए हैं? नहीं, मेरे पास ये है। अबे 5 रुपए? अबे रिश्वत देता है? इससे तो अच्छा ईमानदारी है। अबे देख, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, हाँ देश प्रेमी हूँ, और तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, नहीं। चल यहाँ से 9:00-11:00 हो जाए, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। हवलदार पुलिस, चला गया। क्या जमाना आ गया, 5 रुपए की रिश्वत दे, बहुत बड़ी चिरांद है यार। मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं?